एसक्यूएल विथेस में आते जाते हैं, तो यहाँ पर जो एसक्यूएल विथेस में आते हैं हम निमेटोडा में, तो जो निमेटोडा में हमारे पास जो एसटीटी ऑर्गन है, प्लेटियन विथेस में एसटीटी ऑर्गन है, इसके बाद एनिडा में आते हैं, एनिडा से आर्थ्रोपोडा में आते हैं, तो आप बताइए एनिडा में बहुत इंपॉर्टेंट एसटीटी ऑर्गन है, एसटीटी यूनिट क्या कहते हैं उसको, संघ एनिडा के जंतुओं में जो उत्सर्जन, यस नेफ्रिडिया उत्सर्जन के लिए, ठीक है, तीन तरह की होती है, सेप्टल है, इंटेगुमेंट्री है, वो आपको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। फिर हम आते हैं एनिडा के बाद आर्थ्रोपोडा में, तो आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स में भी एक्सक्रीशन के लिए कौन सी स्ट्रक्चर्स रिस्पॉन्सिबल है, नेफ्रिडियल ट्यूबुल्स और नॉट ऑल द इंसेक्ट्स, देखिए प्रोक्सल ग्लैंड्स होती है, पिन ग्लैंड्स होती है, मैक्सिलरी ग्लैंड्स होती है, एंटीना ग्लैंड्स होती है, बहुत सारे तरह की ग्लैंड्स हैं उसमें फाइलम आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स, ठीक है। आर्थ्रोपोडा के बाद हम मोलस्का में आते हैं, मोलस्का में एक्सक्रीशन की यूनिट क्या होती है, एक कैडर ग्लैंड दैट इज फाउंड इन द एनिमल्स ऑफ फाइलम मोलस्का, ये भी एक्सक्रीटरी यूनिट है। फिर हम आते हैं मेनली इसमें कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में आपने देखा होगा फाइलम कॉर्डेटा तीन तरह की जो मेन स्ट्रक्चर है एक्सक्रीटरी ऑर्गन दैट इज कॉल्ड द किडनी, हिंदी में क्या कहते हैं, वृक्क कहते हैं, किडनी इज द मेन स्ट्रक्चर एंड यूनिट, तो फंक्शन यूनिट नहीं है, अभी इसकी यूनिट आएगी, तो जो किडनी है मेन ऑर्गन है एक्सक्रीशन के लिए इन द फाइलम कॉर्डेटा। अब तीन तरह की किडनी आपने पढ़ी है, लिखा होता है प्रोटोनेफ्रॉस, मीसोनेफ्रॉस और मेटानेफ्रॉस, तो डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन द प्रोटोनेफ्रॉस, मीसोनेफ्रॉस एंड मेटानेफ्रॉस, these are the excretory organs not the excretory units, units कौन सी है, nephrons है, वो भी पढ़ेंगे। अभी आप बताइए do you know the difference between the protonephros, mesonephros and metanephros kidney, कोई बता सकता है क्या difference है, phylum chordata के भी जो animals है उसमें embryonic stage में primitive phylum chordata के जंतु में protonephros kidney होती है, जो प्रोटोनेफ्रॉस किडनी होती है उसमें केवल 4 से 6 पेयर ऑफ ट्यूबुल्स होती है, ट्यूबुल्स बने जो नेफ्रॉन्स 4 to 6 पेयर्स है, और इसके अलावा 4 to 6 पेयर्स के अलावा एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है, और कब तक पाई जा रही है, यहाँ पर 4 वीक तक, नहीं वो ब्लर आ रहा है। प्रोटोनेफ्रॉस किडनी के बाद हम आते हैं किसमें, मीसोनेफ्रॉस किडनी, मीसोनेफ्रॉस किडनी जिसमें पाई जाती है आफ्टर 4 वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मीसोनेफ्रॉस किडनी डेवलप। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर नेफ्रिक ट्यूबुल्स की संख्या बढ़ जाती है, और ट्यूबुल्स की संख्या बढ़ने के साथ साथ इसकी जो लास्ट यूनिट होती है एक्सक्रीटरी पोर, वो ओपन किसमें होता है, मेल जेनिटल सिस्टम में, जो हमारे मनुष्य में नर और मादा जननांग होते हैं, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जा करके ये किडनी का टॉप क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और जो मेटानेफ्रॉस किडनी, ये हायर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, हायर वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है, हायर वर्टिब्रेट्स में कौन कौन सा आता है, रेप्टिलिया आते हैं, एप्स आते हैं और मैमल्स आते हैं, इसमें हाईली डेवलप्ड किडनी है, ये जो डेवलप्ड किडनी है इसमें ये यूरेटर के फॉर्म में अपने एसक्रीटरी सिस्टम को कहाँ निकालती है, एसक्रीटरी मटेरियल को बाहर, इसमें यूरेटर पाया जा रहा है, मीसोनेफ्रॉस में यूरेटर नहीं है, यहाँ पर जो एसक्रीटरी मटेरियल है वो अल्टीमेटली किसमें ओपन हो जाता है, मेल जेनिटल सिस्टम में ओपन हो जाता है, और जो प्रोटोनेफ्रॉस है इसमें केवल 4 to 6 पेयर ऑफ क्या होते हैं, नेफ्रिक ट्यूबुल्स होते हैं, और इसमें कोई भी यूरेटर नहीं होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में शुरुआत में 4 वीक तक बनता है, उससे मीसोनेफ्रॉस किडनी आती है, और सबसे लास्ट में क्या आती है, मेटानेफ्रॉस आती है। तो अभी आप देख रहे थे कि एक्सक्रीशन में द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन, जितने ऑर्गन इसमें हेल्प करते हैं दे आर कॉल्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, एंड ऑल द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अल्टीमेटली मेक द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर के अगर हम हायर ऑर्गेनिज्म तक जाते हैं तो प्रोटोजोआ में डिफ्यूजन थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है, कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं होता इसके लिए, एक्सक्रीशन के लिए ऑस्मोरेगुलेशन के जरूर क्या होता है, यहाँ पर फाइलम प्रोटोजोआ में ऑस्मोरेगुलेशन के क्या होता है, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल होता है, संकुचनशील रीति का नाम सुना है, वो पाया जाता है। फिर हम पूरी फेरा में क्या है, वाटर कैनाल्स होती हैं, उसी से होते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, कैनेडा में जब आते हैं तो क्या बन जाता है, नेफ्रिडिया बन जाता है, नेफ्रिडिया के एनिडा के बाद हम आर्थ्रोपोडा में आते हैं, तो अलग अलग बहुत सारे यहाँ पर
आर्थ्रोपोडा क्या है, सबसे बड़ा फाइलम है। तो अलग अलग ग्रुप हैं, एरेक्निडा है, इसमें इंसेक्ट्स हैं, स्पाइडर्स हैं, सभी में अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स हैं फॉर एक्सक्रीशन। लेकिन मेनली जब हम किसमें आते हैं, फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं, तो कॉर्डेटा में जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन दैट इज कॉल्ड द किडनी, हिंदी में क्या कहते हैं किडनी को वृक्क कहते हैं। कहाँ पाई जाती है किडनी, बॉडी के किस पार्ट में किडनी प्रेजेंट होती है? एब्डोमिनल पार्ट में होती है। जैसे मैं यहाँ पर बेल्ट लगाए हुए हूँ ना, तो आप देखिए यहाँ जो बेल्ट लगी है ना, इसके और एक डेढ़ इंच नीचे यहाँ पर किडनी, किडनी बहुत ज्यादा हाई पोर्शन में नहीं होती। तो ये जो किडनी है हमारी, वन पेयर ऑफ किडनी होती है, ठीक है, उत्सर्जन की। यहाँ पर अब हम आते हैं स्पेशली जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होते हैं, जिस फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल शरीर से बॉडी से बाहर निकलता है, वो एमिनो एसिड से रूप में हो सकते हैं। एमिनो एसिड्स आर द यूनिट्स ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन यूनिट है। तो एमिनो एसिड्स के रूप में अगर एक्सक्रीशन हो रहा होगा तो इसे कहेंगे ऐसे एनिमल्स एमिनोटेलिक, और ये प्रोसेस एमिनोटेलिज्म, एमिनोटेलिज्म इज अ प्रोसेस एंड द एनिमल्स विच एक्सक्रीट द नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ द एमिनो एसिड कॉल्ड द एमिनोटेलिक। एग्जाम्पल फाइलम मोलस्का में सीप और घोंगे देखे हैं, वो एमिनोटेलिक। एमिनोटेलिक के बाद हम आते हैं यहाँ पर अमोनिया के फॉर्म। अगर एक्सक्रीशन अमोनिया गैस के फॉर्म हो रहा है, ये गैसियस फॉर्म है, तो जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जो वाटर में होते हैं, मोस्टली अमोनिया गैस को रिलीज कर देते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू रिलीज कर देते हैं। और ये जो अमोनिया होती है, ये हाईली पॉइजनस होती है, बॉडी के लिए हार्मफुल है, इसलिए शरीर से बाहर निकलना इसका आवश्यक होता है। तो ऐसे एनिमल्स जो अमोनिया गैस के रूप में अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल को, नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड द अमोनोटेलिक, एंड दिस टाइप ऑफ एक्सक्रीशन कॉल्ड द अमोनोटेलिज्म। तो एमिनोटेलिक हो गया सी पर घोंगे में, अमोनोटेलिक एक्सक्रीशन किस एनिमल्स में पाया जाता है? अमोनिया गैस के रूप में फाइलम प्रोटोजोआ में भी होता है, ठीक है, पॉलीफेरा में भी आता है, सब निडेरियंस में भी आता है, फ्रेश वाटर फिशेस में भी आता है, इन सब में अमोनिया गैस के फॉर्म में एक्सक्रीशन हो रहा है। अमोनिया के बाद हम आते हैं इसमें यूरिया, द एनिमल्स विच एक्सक्रीट द यूरिया एज द नेटवर्क वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड द यूरियोटेलिक एनिमल्स, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड द यूरियोटेलिज्म। तो यूरिया के फॉर्म में आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स हैं, मतलब मैमल्स हैं, वो यूरिया के फॉर्म में अपने नेचुरल वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालते हैं। पर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया कहाँ होता है? अभी आपने इससे पहले डाइजेशन पढ़ाया था, तो यूरिया का फॉर्मेशन बॉडी के किस ऑर्गन में हो रहा है? लीवर में। जो अमोनिया होती है, अमोनिया और CO2 के रिएक्शन से क्या बन रहा था? यूरिया बन रहा था इन द लीवर, और किस एंजाइम के प्रेजेंस से बन रहा था? यूरियाज एंजाइम के प्रेजेंस। तो यहाँ पर ये यूरियोटेलिक में तो ह्यूमन बींग्स मैंने मैमल्स आ जाएंगे, और कौन आएगा? जितने देखिए जो एम्फीबिया है, एम्फीबिया में दो स्टेज होती है, एक एम्ब्रियोनिक में, एक टैडपोल स्टेज होती है, एक एडल्ट होता है। तो जो एडल्ट एम्फीबिया है वो भी इसमें आते हैं, और मैमल्स आते हैं, फिशेस आते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं यूरिक एसिड। ऐसे एनिमल्स जो अपनी बॉडी में वाटर कंजर्व करना चाहते हैं, तो वाटर कंजर्वेशन के रूप में वो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बहुत कंसंट्रेट फॉर्म में क्या करते हैं? एक्सट्रीट करते हैं, दिस कॉल्ड द यूरिक एसिड। समटाइम्स ये क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाता है, कभी कभी ये जेली नुमा या पेस्ट के फॉर्म में होता है। तो हमारी जो बर्ड्स होती हैं, जो कि एरियल होती हैं, तो ये इसमें वाटर को कंपनसेट करने के लिए, जल की कमी को वाटर को कंजर्व करने के लिए, जो हमारा एक्सट्रीट मटेरियल के फॉर्म में है, यूरिक एसिड। ठीक, तो ये
अमीनो एसिड के रूप में, अमोनिया के रूप में, यूरिया के रूप में, यूरिक एसिड में, एक होता है ग्वानिन, नाम सुना है, जो हमारी स्पाइडर्स होती है उसमें ग्वानिन के फॉर्म में, ग्वानिन क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, आपको पता है कि डीएनए आरएनए हमने प्यूरीन प्यूरीन पढ़ा हुआ है, उसमें ये क्या है, प्यूरीन है, तो प्यूरीन बेस मेटल ग्वानिन होता है, तो ये नाइट्रोजन बेस मेटल के रूप में बॉडी से बाहर निकलता है, स्पाइडर्स में ऐसा होता है, और एक होता है नाइट्रोजन बेस मेटल के फॉर्म में ऑर्निथ्यूरिक एसिड, नाम सुना है आपने, अब आपको इसको लर्न कैसे रखना है, द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड द ऑर्निथोलॉजी, तो इसकी जो ऑर्निथ्यूरिक एसिड नाइट्रोजन बेस मेटल है वो जिसमें किसमें पाया जाएगा, बर्ड्स में पाया जाएगा, और एक और बेस मेटल होता है प्यूरिक एसिड, प्यूरिक एसिड, ये जो ग्लाइसिन अमीनो एसिड होता है वो ग्लाइसिन अमीनो एसिड प्यूरिक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के बॉडी से बाहर होता है, ये मैमल्स में पाया जाता है, लेकिन मैमल्स में मेनली मैमल क्या है, यूरियोटेलिक, लेकिन कुछ एस्क्रिटिव मटेरियल का फॉर्म किस फॉर्म में निकलता है, प्यूरिक एसिड, तो मेनली हम लोग यूरियोटेलिक है, लेकिन कुछ हमारा नेचुरल बेस्ड मटेरियल प्यूरिक एसिड के फॉर्म में भी बॉडी से बाहर रिलीज होता है, तो ये हमारे नेचुरल बेस्ड मटेरियल हैं, एमिनो एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ग्वानिन हो गया, नाइट्रोजनस एसिड हो गया, यूरिक एसिड हो गया, मेन में हमारे एसिडिक ऑर्गन से, सॉरी एसिडिक मटेरियल्स, और एसिडिक ऑर्गन मेन कौन है, किडनी, तो अब यहाँ पर अगर आप एक्सक्रीशन देखेंगे तो सबसे पहले हमको किसका स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, किडनी का पढ़ना पड़ेगा, किडनी वन पेयर होती है, किस कलर की होती है और शेप कैसा होता है और साइज कितना होता है नॉर्मल किडनी का, हाँ 10 से 12 क्या किलोमीटर, दिस इज द शेप ऑफ द किडनी, बीन शेप में कहते हैं, बीन बने सेम, सेम का बीज होता है, तो इसमें ये जो कॉनकेव पार्ट है ये किस तरफ होता है, वर्टिकल कॉलम की तरफ, ठीक है, और ये जो कॉन्वेक्स पार्ट होता है किस तरफ होता है, पेरीफेरी पर होता है, तो ये वाला पार्ट हो गया कॉन्वेक्स पार्ट एंड इट इज द कॉनकेव पार्ट, कॉनकेव पार्ट की जो कॉनकेविटी होती है उसको क्या कहते हैं, द कॉनकेविटी ऑफ द कॉनकेव पार्ट कॉल्ड द हाइलस, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसलिए कॉनकेव पार्ट को, इस पार्ट को हाइलस भी बोलते हैं, ये वाला, अब आप देखिए इस द कॉन्वेक्स पार्ट, द कॉनकेव पार्ट टुवर्ड्स द पेरीफेरी एंड टुवर्ड्स द वर्टिब्रल कॉलम, अब ये जो पूरा है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, ये जिस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है यहाँ पर, तो क्या कहेंगे इस मेम्ब्रेन को, लंग्स में क्या कहा था, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा, हार्ट में क्या कहा था, पेरिकॉन्ड्रियम, यहाँ पर क्या कहेंगे, रीनल पार्ट, ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो क्या था, रीनल मेम्ब्रेन हो गया, ये पूरा पेरिकाइमेटस होता है, दो पार्ट में डिफरेंशिएटेड होता है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, तो जो पेरिफेरल पार्ट है दैट इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स एंड द इनर पार्ट इज कॉल्ड द मेडुला, दिस इज द मेडुला एंड मेडुला पार्ट इज मेड अप ऑफ 10 to 12 या 12 to 18 पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, कहीं पर लिखा होता है 10 से 12 कहीं लिखा 12 से 18, तो मेनली 12 to 18 पिरामिड में स्ट्रक्चर्स होते हैं, इट्स कॉल्ड द मेडुलरी पिरामिड्स, तो आपको पता है मेडुला किसको कहते हैं, केंद्रीय भाग को कहते हैं, जो पेरिफेरल पार्ट दैट इज कॉर्टेक्स एंड द इनर पार्ट इज मेडुला एंड मेडुला इज डिफरेंशिएटेड इनटू 8 to 12 मेडुलरी पिरामिड्स, ये 8 से 18 मेडुलरी पिरामिड्स है, पिरामिड में ये वाला जो पार्ट है ये एपेक्स, ये वाला पार्ट ब्रॉड पार्ट क्या है, बेस, अब आप देखिए इसमें ये मेडुलरी पिरामिड्स, मेडुलरी पिरामिड्स के बीच बीच में कॉर्टिकल पार्ट है, ठीक है, मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में क्या है, कॉर्टिकल पार्ट, तो इस पार्ट को क्या कहते हैं, द नेम ऑफ द पार्ट बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स नॉट इनसाइड द मेडुलरी पिरामिड्स, इसे कहते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी, ये बीच जो पार्ट है क्या है, ये रीनल कॉलम ऑफ, रीनल वर्ड यूज हुआ ताकि आप समझ जाएं कि किससे रिलेटेड है, किडनी से, रीनल कॉलम ऑफ ब्लड,
ये वाला पॉइंट देख रहे हैं आप, हाइलस से। अब हमारी ये किडनी है, अभी आपने हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था, हार्ट का स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे थे तो आपने देखा था हार्ट में जो राइट वेंट्रिकल थी, ठीक है ना, राइट वेंट्रिकल से क्या निकल रही थी, पल्मोनरी, पल्मोनरी क्या, आर्टरी वेन, आर्टरी विच कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर ये जो पल्मोनरी है इस वाली किडनी में यहाँ पर जो इंटर करेगी दैट इज कॉल्ड द रीनल आर्टरी कैरी द इम्प्योर ब्लड, ठीक, अंदर जाकर क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, और इसी पार्ट से जो बाहर आ रही है दैट इज द रीनल वेन आफ्टर फिल्ट्रेशन, और ये जो पार्ट लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड द यूरेटर, यूरेटर को हिंदी में कहते हैं मूत्र वाहिनी। तो यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन के बाद जो भी लिक्विड बन रहा है वो पूरा लिक्विड इस पार्ट से होकर कहाँ निकल रहा है, बाहर आ रहा है, कहाँ स्टोर हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर से के थ्रू टाइम टू टाइम वो यूरिनरी पैसेज से होकर के कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो ये जो किडनी है इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, कॉर्टेक्स पार्ट एंड द मेडुला पार्ट, मेडुला पार्ट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 8 टू 18 पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द मेडुलरी पिरामिड्स, एंड बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स देयर इज रीनल फॉर्म ऑफ बल्टनी। ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं हाइलस से, यहाँ से रीनल आर्टरी इंटर करती है कॉनकेव पार्ट से, और रीनल वेन और यूरेटर कहाँ आ रही है, बाहर आ रही है। ये आपका किडनी का वर्टिकल सेक्शन, ये सॉफ्ट वर्टिकल सेक्शन, आपके किडनी को ऐसे कटा हुआ है तो आपको इंटर सेक्शन दिखाई दे रहा है। अब ये किडनी यहाँ पर इज नॉट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट, इसकी जो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है दैट इज कॉल्ड द नेफ्रॉन, एक होता है न्यूरॉन और एक होता है नेफ्रॉन, दिया इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है या न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन को हिंदी में कहते हैं वृक्क नलिका, जो न्यूरॉन होता है उसको कहते हैं तंत्रिका कोशिका, तंत्र नहीं कोशिका। अब किडनी के स्ट्रक्चर के बाद किसमें आते हैं, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर, तो नेफ्रॉन को हम लिखेंगे इट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी, या स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो उत्सर्जन तंत्र की इकाई है दैट इज कॉल्ड द नेफ्रॉन। एक छोटा सा फिगर यहां पर किडनी का बना दे रहे हैं, ये देखिए जो आपने बनाया था स्ट्रक्चर, इसमें यहां पर ये हमने मेडुला पार्ट बनाया, इसका मतलब है ये इसकी बाहर, यहाँ बाहर मेम्ब्रेन के बीच जो पार्ट है वो क्या है, कॉर्टेक्स पार्ट। इस पूरे किडनी के अंदर, एक किडनी के अंदर 10 से 12 लाख जो यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड द नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर यूनिट भी है फंक्शन यूनिट भी है। तो ये किडनी का शॉर्ट फिगर इसलिए बनाया है कि अभी जब आप यहाँ पर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इज द नेफ्रॉन, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो बाउल शेप्ड स्ट्रक्चर, ये बाउल शेप्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ इस पार्ट में कॉर्टेक्स पार्ट, और बाकी ये जो बाउल शेप्ड स्ट्रक्चर है इस कॉल्ड द बोमेन कैप्सूल। तो मैंने यहाँ पर किडनी का स्ट्रक्चर इसलिए बनाया ताकि आप समझ जाएं कि ये जो बाउल शेप्ड स्ट्रक्चर बोमेन कैप्सूल इज प्रेजेंट इन द कॉर्टिकल पार्ट। इसके बाद ये यहाँ पर जो पार्ट है इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हिंदी में कहते हैं यहाँ पर समीपस्थ कुंडलित नलिका, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। इसके बाद एक यू के आकार की ट्यूब बनी हुई है दैट इज कॉल्ड अ हेनले लूप, वो जो चोटी में लगाते हैं ना पिन, उसी की तरह का स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ हेनले लूप, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ हेनले लूप। हेनले लूप में आपको दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, दिस द डिसेंडिंग पार्ट, यहाँ से शुरुआत हुई तो ये कौन सा पार्ट है, डिसेंडिंग इज अवरोही, और ये कौन सा पार्ट है, असेंडिंग पार्ट। फिर इसके बाद जो असेंडिंग पार्ट है उसकी थिकनेस डिसेंडिंग के बराबर होती है, लेकिन कुछ पार्ट में ये क्या होता है, ब्रॉड होता है।
और लास्ट में फिर देख रहे हैं कन्वोल्यूटेड पार्ट, इसे कहते हैं डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, हिंदी में क्या कहते हैं, दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये समीपस्थ कुंडलित नलिका थी जो पहले आई है, और ये कहा ये बाद में आई है, और लास्ट में ये क्या है, जिसका कलेक्टिंग डक्ट। तो आप यहाँ पर देखिए इस स्ट्रक्चर में, ये बोमेन कैप्सूल पार्ट कॉर्टेक्स में, इसके बाद ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड से लेकर के और हेनले लूप कहाँ पर है, मेडुला में है, और इसके बाद यहाँ पर ये हेनले लूप का जो असेंडिंग लूप आ रहा है बाद में, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब पार्ट है ये फिर से कहाँ गया, कॉर्टेक्स के पार्ट। इसके बेस पर जो किडनी है उसको दो पार्ट में डिफरेंशिएट किया, दो तरह में, तो टू टाइप्स के यहाँ पर स्ट्रक्चर्स हैं नेफ्रॉन के, कौन कौन से, एक को कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक को कहते हैं मेडुलर नेफ्रॉन। ऐसे नेफ्रॉन जिनका मोस्ट ऑफ द पार्ट मेडुला में फंसा होता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, मेडुला। और ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं, ये जो मैंने बनाया है, ये 80% पार्ट किडनी में लगभग कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। इसके अलावा जो पार्ट यहाँ जो 20% बचता है नेफ्रॉन का पार्ट, अगर नेफ्रॉन जो 20% है वो पार्ट कहलाते हैं जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन। इसका मतलब है कि ये पार्ट जितने भी स्ट्रक्चर यूनिट्स है उसका 80% ये वाले हैं, और जो 20% पार्ट है वो क्या है, मेडुलर पार्ट। तो जस्टा मेडुलर नेफ्रॉन वर्ड तो दिया गया, इस द कॉर्टिकल नेफ्रॉन ज्यादातर पार्ट किसमें है, कॉर्टेक्स में। इसको नाम से देखिए जस्टा मेडुलर जो नेफ्रॉन कहते हैं, क्यों कहते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, क्यों स्ट्रक्चर यही है, स्ट्रक्चर कोई डिफरेंस नहीं। आप ये देखिए यहाँ पर ये जो बोमेन कैप्सूल वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा कॉर्टेक्स में है, किसमें, कॉर्टिकल में। जो मेडुलर न्यूरॉन होते हैं उसमें ये पार्ट और नीचे होता है, जहां पर कॉर्टेक्स और मेडुला आपस में मिक्स हो रहे हैं या आपस में क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, इसके पार्ट में यहाँ पर ये वाला पार्ट है, कौन सा, बोमेन कैप्सूल। और इसके बाद बहुत लंबी ट्यूब आई, हेनले लूप बहुत नीचे तक जाता है, तो बहुत नीचे रहे, जहाँ तक मेडुलर पार्ट खत्म हो रहा है वहां तक क्या आ गया, हेनले लूप आ गया है। और फिर इसका जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड पार्ट है वो फिर से कहाँ आ रहा है, इसके पास, बोमेन कैप्सूल के पास। ये वाले पार्ट में जो कॉर्टेक्स में बोमेन कैप्सूल है ये बहुत टॉप पर होगा, और बाकी पार्ट जो है मेडुला के हाफ पार्ट तक पहुंच पाते हैं। जस्टा मेडुलर जो नेफ्रॉन है हमारा, उसमें जो बोमेन कैप्सूल पार्ट है वो और नीचे शुरू होता है, जहां पर ये मेडुलर पार्ट शुरू हो रहे हैं और कॉर्टेक्स खत्म हो रहा है यहां से शुरू होता है, और ये जो लूप है ये बहुत गहराई तक जाता है, और उसके बाद वापस जब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब आती है, कनेक्टिंग डक्ट आती है, तो फिर से इसी के एक बार आ जाता है, किसके, बोमेन कैप्सूल। तो इसका मतलब है कि यह मेडुलर पार्ट में बहुत ज्यादा धंसा हुआ है, इसलिए इन्हें कहते हैं जस्टा मेडुलर नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर सेम है, केवल नाम में डिफरेंस है और फंक्शन में डिफरेंस। अब आप मेन पार्ट में आते हैं, इसमें कि सबसे ऊपर का जो पार्ट है जस्ट लाइक द बाउल कार्ड द बोमेन कैप्सूल, ये जो बोमेन कैप्सूल है, ये बोमेन कैप्सूल बाउल की तरह है यहाँ पर। अब इसमें फंक्शन क्या है इनका, जो अभी हमने आपको किडनी में स्ट्रक्चर बनाया था, यहाँ पर रीनल आर्टरी इंटर कर रही है, कैरी द इम्प्योर ब्लड। ये रीनल आर्टरी अंदर आकर के मिलियंस ऑफ ब्रांचेस बनाती है, दैट इज कॉल्ड द आर्टेरियोल, हिंदी में क्या कहते हैं, धमनिका। ये जो आर्टेरियोल चूंकि ब्लड इम्प्योर ब्लड को इंटर कर रही है, अंदर ला रही है, इसलिए इसका नाम यहाँ पर रख दिया गया। हमारे पास नेफ्रॉन कितने हैं किडनी में, 10 से 12 लाख, जितने नेफ्रॉन हैं उतनी ही उतनी ही ब्रांचेज यहाँ पर बनेगी, किसकी, रीनल आर्टरी। तो उन्हें कहेंगे आर्टेरियोल, तो आप समझ लीजिए कि 12 लाख आर्टेरियोल में डिवाइड हो रहा है। तो जो आर्टेरियोल यहाँ पर ब्लड को लेकर आ रही है, दैट इज कॉल्ड द एफरेंट आर्टेरियोल, हिंदी में कहते हैं अभिवाही धमनिका। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, अभिवाही। ये ब्लड यहाँ पर ला रही है, कैरी द इम्प्योर ब्लड। तो बोमेन कैप्सूल में ऊपर जो बाउल शेप स्ट्रक्चर है उसमें एफरेंट आर्टेरियोल कैरी द इम्प्योर ब्लड एंड फाइन ट्यूब विच कैरी द प्योर ब्लड आफ्टर फिल्ट्रेशन कार्ड द इफरेंट आर्टेरियोल।
आप देख रहे हैं एक ब्लड ला रही है और दूसरा ब्लड वापस ले जा रही है, तो वापस ले जाने का डिफरेंट आरटीओ, जो ब्लड ला रही है वो एफरेंट आरटीओ, दोनों इसमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका जो डायमीटर है वो ज्यादा होता है, इसका एफरेंट द आरटीओल व्हिच कैरी द इनटू ब्लड एंड इंटर्स इनटू द वोमिंग कैप्सूल इट इज मच मोर वाइडर देन द डिफरेंट आरटीओ। इसका बेनिफिट क्या है, यहाँ पर इसका डायमीटर ज्यादा है और इसका डायमीटर क्या है कम, यहाँ से जो इम्प्योर ब्लड आ रहा है तो ये जो ब्लड इंटर किया बोमिन कैप्सूल में तो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज विच कनेक्ट द इफरेंट एंड एफरेंट मेक द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है, द ग्रुप ऑफ कैपिलरीज, नेटवर्क कैपिलरी किससे बना हुआ है, इफरेंट और एफरेंट दोनों के ज्वाइनिंग पार्ट पर यहाँ पर नेटवर्क बना कैपिलरीज, दैट्स कॉल्ड द ग्लोमेरुलस। तो यहाँ से जो इम्प्योर ब्लड आ रहा है इसका जो डायमीटर है वो या ल्यूमेन है वो क्या है, सक्रिय पतली है, तो यहाँ पर प्रेशर हाई रहेगा और यहाँ पर ये वाइड होने का प्रेशर क्या रहेगा, लो रहेगा। ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल द ब्लड फिल्टर्स आउट इनटू द वोमिन कैप्सूल। इन दोनों के डायमीटर में अंतर होने के कारण व्यास में जो प्रेशर का डिफरेंस आता है उसी कारण से यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, इस प्रोसेस कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और जो लिक्विड यहां पर छन कर आ जाता है दैट इज कॉल्ड द नेफ्रिक फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं इसको, नेफ्रिक फिल्ट्रेट, हिंदी में कहते हैं निष्पंद। तो आप देख रहे हैं यहां पर एफरेंट और इफरेंट के बीच में डायमीटर के डिफरेंस होने के कारण जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसके कारण से इम्प्योर ब्लड से इम्प्योरिटीज फिल्टर होकर के कहाँ पर आ जाती है, बोमिन कैप्सूल में आ जाती है बाय द नेटवर्क ऑफ द ग्लोमेरुलस इट इज कॉल्ड द नेफ्रिक फिल्ट्रेट। और ये ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर इम्प्योरिटीज फिल्टर हो रही हैं उसमें आरबीसी नहीं होगा क्योंकि इसकी वॉल से आरबीसी नहीं निकल पाते। अब ये जो इसकी मेम्ब्रेन है इसकी बोमिन कैप्सूल आप देख रहे हैं डबल मेम्ब्रेन है, जो आउटर मेम्ब्रेन है ये वाली आउटर मेम्ब्रेन स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई है और जो इनर मेम्ब्रेन है उसको कहते हैं पोडोसाइट्स। क्या कहते हैं, पोडोसाइट्स, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द बोमेन कैप्सूल। और यहाँ पर जो कैपिलरीज का नेटवर्क है दैट्स कॉल्ड द ग्लोमेरुलस, इस ग्लोमेरुलस की आर्टेरियोल्स में फाइन पोर्स होते हैं। तो जब यह ग्लोमेरुलस का मतलब है रक्त केशिकाएं, रक्त केशिकाओं का मतलब है यहाँ पर जाल, इनमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं और इतने माइन्यूट पोर्स होते हैं कि वहां से आरबीसी बाहर नहीं निकल पाते। क्या निकल पाता है, क्या निकल पाते, इम्प्योरिटीज इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म एज वेल एज क्या निकलते हैं, मिनरल्स निकल सकते हैं, वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं। इसकी जो मेम्ब्रेन है इट्स कॉल्ड कंटेन्स द पोडोसाइट्स और इसमें क्या पाए जाते हैं, फाइन पोर्स पाए जाते हैं। इस कारण से प्रेशर डिफरेंस के कारण इम्प्योरिटीज छन करके वोमेन कैप्सूल में इकट्ठा हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और जो लिक्विड इकट्ठा होता है तो इस कारण नेफ्रिक फिल्ट्रेट। सर प्रेशर एफरेंट आर्टेरियोल पे ज्यादा होगा, जैसे डायमीटर ज्यादा है कम होगा, इसका क्या है डायमीटर कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एफरेंट एंड इफरेंट दोनों के प्रेशर डिफरेंस के कारण जो दाब पड़ता है उस कारण से यहाँ पर फिल्ट्रेशन होगा। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पर अभी आपने ये देख लिया कि कैसे वोमेन कैप्सूल का स्ट्रक्चर क्या है। वोमेन कैप्सूल इज अल्टीमेटली ओपन्स इनटू द कन्वोल्यूटेड पार्ट कॉल्ड द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड इट ओपन्स इनटू द यू शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द हेनले लूप एंड हेनले लूप अगेन कन्वर्टेड इनटू द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड अल्टीमेटली इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। तो अगर किडनी का स्ट्रक्चर देखें तो किडनी में ये जो आपने नेफ्रॉन अंदर बनाया हुआ है इस नेफ्रॉन में आफ्टर फिल्ट्रेशन के बाद जो भी पार्ट कलेक्टिंग डक्ट है All the collecting duct ultimately opens into the ureter. जितनी collecting duct है सारी collecting duct बाद में किसमें खुल जाती है, ureter में। अब अभी ये वाला part complete नहीं हुआ। ये जो pressure difference है, वो pressure difference क्यों हो रहा है? अभी तो हमने आपको क्या बता दिया diameter का reason। तो diameter के अलावा, अगर आप process of filtration देखें, तो मुख्य रूप से तीन प्रकार के pressure होते हैं, जिसके कारण से क्या हो रहा है, filtration हो रहा है। एक को कहते हैं यहाँ पर GVHP, नाम सुना है आपने, व्हाट डू यू नो जी,
जीबीएसपी ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलस क्या है ये, ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हिंदी में कहते हैं यहां पर ग्लोमेरुलस ब्लड का जो द्रव स्थैतिक दाब है हाइड्रोस्टेटिक जीबीएचपी, दैट इज मेन प्रेशर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन। क्यों है ये, आपने देखा है जितनी भी हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं पूरी बॉडी में, ब्लड कैपिलरीज में जो भी हमारी आर्टेरियोल्स हैं, आर्टेरियोल्स को हिंदी में कहते हैं धमनिका, इन सारी आर्टेरियोल्स में ब्लड एक निश्चित प्रेशर से बहता है और लगातार इस ब्लड वेसल्स से जो लिक्विड है वो टिश्यू फ्लूइड के रूप में कहाँ निकलता रहता है, बाहर निकलता है। इसी प्रकार से जितनी वेन्यूल्स हैं उन वेन्यूल्स में जो प्रेशर रहता है आर्टरीज के कंपैरिजन में वो क्या रहता है, कम रहता है इन कंपैरिजन टू आर्टरीज, और इसीलिए वेन्यूल्स से लिक्विड बाहर नहीं निकलता। तो जो वेन्यूल्स होती है वो लिक्विड को क्या कर सकती है, अब्सॉर्ब कर सकती है, लेकिन जो आर्टेरियोल्स होती हैं ड्यू टू द हाई प्रेशर वो लगातार अपने से लिक्विड क्या करती हैं, रिलीज करती हैं। तो हमारे यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस है ये जो नेटवर्क इट इज मेड अप ऑफ द एफरेंट एज वेल एज एफरेंट आर्टेरियोल्स, तो इसमें ब्लड का खुद का जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है उसके कारण से यहाँ से लिक्विड कहाँ निकलना चाहता है, बाहर, क्योंकि यहाँ पर आर्टेरियोल्स का प्रेशर क्या है, ज्यादा। तो अब जो लगातार यहाँ से लिक्विड बाहर निकलना चाह रहा है उसका जो मेजरमेंट है 60 mmHg, जो जीबीएसपी है ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर उसका मान कितना है 60 mmHg। इतने प्रेशर के कारण इस ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज से ब्लड कहाँ आना चाहता है, ब्लड से जितने वेस्ट मटेरियल वो बाहर आना चाहते हैं। अब इस प्रेशर को रोकने के लिए दो फोर्स हैं, कौन कौन से फोर्स हैं, एक होता है BCOP, नाम सुना है आपने, हमारे ब्लड में नॉन डिफ्यूजिबल प्रोटीन होती है कहते हैं अविस्तरणशील प्रोटीन, वो क्या करती है इसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बनाए रखती है और लिक्विड के फिल्टर होने या छनने का क्या करती है, अपोज करती है। इसको कहते हैं यहाँ पर ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू द नॉन डिफ्यूजिबल प्रोटीन प्रेजेंट इन टू द ब्लड, इट प्रिवेंट्स द लीकेज। तो अब ये क्या करेगी, इस ये जो 60 mmHg का जो प्रेशर है जिससे लिक्विड बाहर निकलना चाहता है इंप्योरिटीज, उस प्रेशर को रोकने के लिए ब्लड के अंदर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसका मान होता है 32 mmHg, इतने mm का प्रेशर होता है जो ब्लड के फिल्ट्रेशन को क्या कर रहा है, रोक रहा है। अब आप देख रहे हैं 60 mmHg प्रेशर से छनना चाह रहा है ब्लड, लेकिन उसको रोकने का प्रेशर केवल कितना है 32, इसका मतलब ये प्रेशर कम है, तो इसीलिए ब्लड फिल्टर होगा। एक और प्रेशर है उसको कहते हैं CHP, CHP का पूरा नाम है उसे कहते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। कैप्सुलर क्या है, ये जो बोमेन कैप्सूल का बेस है इस बेस पे जो लिक्विड छन के आ रहा है तो और ज्यादा फिल्टर ना हो तो ये लिक्विड नीचे से क्या लगाएगा, अपोजिट प्रेशर लगाएगा ताकि अब फर्दर फिल्ट्रेशन ना हो, क्योंकि यहां पर जगह क्या हो गई है, फुल हो गई है। दैट इज कॉल्ड द कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब आप देखिए दो प्रेशर है जो ब्लड के फिल्ट्रेशन को रोक रहे हैं, ये 32 mmHg का BCOP और CHP है यहां पर कितना 18 mmHg। 60 mmHg के प्रेशर से ब्लड फिल्टर होना चाह रहा है और ब्लड फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए दो प्रेशर है BCOP और CHP। BCOP क्या है, ब्लड का खुद का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बनाए रखने की जो प्रोटीन होती है वो लिक्विड को फिल्टर नहीं होने दे रही, वो BCOP है, और यहाँ पर जो लिक्विड छन चुका है वो और ज्यादा फिल्ट्रेशन को रोकता है, नीचे से अपथ्रस्ट बल लगा रहा है, उसको कहते हैं CHP कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो अब जो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर हिंदी में कहते हैं प्रभावी निष्पंदन दाब, कि वास्तव में कितने प्रेशर से अब छनेगा, तो जो EFP है आप देखिए हमारा GBHP था ये फिल्ट्रेशन को प्रमोट कर रहा है और इस फिल्ट्रेशन को रोकने का कार्य कर रहा है BCOP प्लस
CH2। इसका मान GVHP का 60 mmHg होता है और इसको रोकने के लिए दो प्रेशर लगे हैं 32 mmHg के और 80 mmHg। तो आप देख रहे हैं 60 से 50 को क्या कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए, तो जो प्रेशर आएगा दिस इज 10 mmHg। 60 mmHg से फिल्टर होना चाह रहा है, इसको रोकने का कार्य कर रहा है BCOP और CHP, तो 32 प्लस 18 इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 60 से, इसका मतलब है 10 mmHg का जो प्रेशर है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। केवल ब्लड के फिल्ट्रेशन के लिए 10 mmHg प्रेशर ही मिला, ठीक है। ये है इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर या वास्तविक निष्पंदन दाब। अब आपका जो किडनी में लगातार ब्लड जा रहा है, ब्लड के साथ इम्प्योरिटीज जा रही है, वो लगातार फिल्ट्रेशन का काम कर रही है, तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 1800 लीटर पर डे ब्लड या इम्प्योरिटीज के फॉर्म में कहाँ जाता है, किडनी में जाता है, और उसका लगभग 10% पार्ट 180 लीटर वो क्या करता है, फिल्टर करता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द लिक्विड इज एब्जॉर्ब बाई द ब्लड वेसल्स। अब अगर 180 लीटर पर डे छन रहा है, अगर पूरा यूरिन इधर निकल जाएगा तो इतना तो हमारी बॉडी में वाटर ही नहीं है, तो जितना भी यहाँ पर ब्लड के साथ इम्प्योरिटी साथ लिक्विड अंदर आ रहा है उसका 10% फिल्टर होता है, और उस 10% का 85 से लेकर 95% तक अगेन रीअब्सॉर्ब्ड बाय द इफरेंट आर्टेरियोल, जो इफरेंट आर्टेरियोल है वास्तव में उसको फिर से क्या कर लेती है, रीअब्सॉर्ब कर लेती है। तो आपके बॉडी में पर मिनट हमारी किडनी में अप्रॉक्स 1.25 लीटर, ठीक है, इतना लिक्विड क्या हो रहा है, इंटर कर रहा है 1.25 लीटर। ये जो इतना लिक्विड इंटर कर रहा है ब्लड के साथ, इसमें जो प्लाज्मा होता है, तो पता है कि ब्लड में प्लाज्मा कितने परसेंट होता है, 55, और कॉर्पसल्स कितनी होती है, 45%। तो इतना लीटर ब्लड जो पर मिनट इंटर कर रहा है बॉडी में, इसका मतलब है कि इसमें जो प्लाज्मा होगा इसका 55% होगा, लगभग 650 ml से 700 ml तक होगा द प्लाज्मा विच इंटर्स इनटू द किडनी, दैट इज कॉल्ड द रीनल प्लाज्मा फ्लो। रीनल का मतलब किडनी के अंदर प्लाज्मा कितना फ्लो कर रहा है, कितना प्लाज्मा बह रहा है, वो 650-700 ml है, कितना पर मिनट, ये जो दिया हुआ है किसके लिए, पर मिनट के लिए, इसको फिर हम आवर में कन्वर्ट करेंगे, फिर डे में कन्वर्ट करेंगे तो 1800 आता है, ठीक। तो ये इस कारण आर्टेरियल रीनल प्लाज्मा फ्लो, तो रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या है, पर मिनट हमारी किडनी में कितना प्लाज्मा फ्लो कर रहा है, दैट्स कॉल्ड द रीनल प्लाज्मा फ्लो। अब अप्रॉक्स 12.5 ml जो फिल्ट्रेशन है वो 1 mmHg से होता है, अगर 1 mmHg प्रेशर हो, कौन सा इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, तो हमारी एक किडनी 12.5 ml लिक्विड को क्या करती है, फिल्टर करती है, जो 10 mmHg का प्रेशर है वास्तव में, तो आप इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 125 ml। तो ये जो 125 ml है लिक्विड पर मिनट, इतना किस फॉर्म में आ रहा है, फिल्ट्रेशन के फॉर्म। तो आपकी बॉडी में इतने लीटर किडनी के अंदर पर मिनट ब्लड इंटर करता है, कौन सा ब्लड, इम्प्योर ब्लड, उसमें प्लाज्मा का पार्ट कर कितना होता है, 650 से 700, जितना प्लाज्मा का पार्ट होता है पर मिनट जो इंटर करता है, इसका अंदर रीनल प्लाज्मा। अब इसमें रीनल प्लाज्मा फ्लो में केवल इतने ml एक मिनट में 1 mmHg से फिल्टर होता है, तो 10 mmHg से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 10 का, तो कितना आ जाएगा, 125 ml पर मिनट फिल्टर हो गया बॉडी में। इसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट, GFR नाम सुना है। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट है वो पर मिनट है, वो इतना जो रीनल प्लाज्मा फ्लो हो वो, तो रीनल प्लाज्मा फ्लो और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में अप्रॉक्स 1:5 का रेशियो रहता है, ये 5 times ज्यादा होता है और ये कम होता है। अब यहाँ पर हमारे में बोमेन कैप्सूल में जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है यहाँ तक आ गया, अब नेफ्रिक फिल्ट्रेट यहाँ आ गया, ये इस पूरे पार्ट से होते हुए अल्टीमेटली कहाँ तक पहुँचेगा, यूरेटर तक पहुँचेगा।
अब अगर इतना लिक्विड लगातार बॉडी में यहाँ पर क्या हो रहा है, फिल्टर हो रहा है हमारे बोमेल कैप्सूल में, और ये पूरा बाहर निकल जाएगा, समझ रहे हैं, तो हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पूरा वाटर हमारा कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो जो यहाँ पर प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन है, तो प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन को दो पार्ट में बांटा है, एक है यहाँ पर बायोलॉजिकल पार्ट या बायोकेमिकल पार्ट, और दूसरा पार्ट है कौन सा, फिजिकल पार्ट। ये जो बायोकेमिकल पार्ट है इसमें बहुत सारे एंजाइम का यूज हो रहा है, तो जो बायोकेमिकल पार्ट है इस बायोकेमिकल पार्ट में अमोनिया से पहले क्या बनेगा, यूरिया। हमारी बॉडी में जो आप फिल्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, एक्सक्रीशन पढ़ रहे हैं, तो एक्सक्रीशन को दो स्टेप में पढ़ना है। पहला स्टेप है हमारा बायोकेमिकल, तो बायोकेमिकल में पहले हमको अमोनिया से क्या बनाना है, यूरिया बनाना है। कौन बनाएगा, लीवर, और फिर किडनी क्या करेगी, उसको यूरिया को यूरिन में बदल करके बॉडी से कहां निकालेगी, बाहर, समझ रहे हैं। तो दोनों स्टेप है, इसका मतलब है कि हमारे एक्सक्रीशन में लीवर भी पार्टिसिपेट करता है और किडनी भी। तो लीवर यहाँ पर जो अमोनिया से रिएक्शन आप पढ़ते हैं, NH3 प्लस CO2 ये मिलकर के जो यूरिया बन रहा है, प्रेजेंस ऑफ द यूरियाज एंजाइम इन द लीवर सेल्स, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को, जैसे वह आपने कल आपने क्रेब्स साइकिल नाम सुना था, इट इज ऑल्सो ए साइकिल, यूरिया साइकिल, ठीक है। यूरिया साइकिल कहाँ हो रहा है, लीवर में हो रहा है। इन द लीवर अमोनिया एंड CO2 रिएक्ट टू मेक द यूरिया इन द प्रेजेंस ऑफ द यूरियाज एंजाइम व्हिच प्रेजेंट इन द लीवर सेल्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द यूरिया साइकिल, ये बायोकेमिकल साइकिल है जिसमें अमोनिया से पहले बॉडी के अंदर लीवर के अंदर यूरिया बनता है। अब जब यूरिया बन जाएगा तो यूरिया के बाद यूरिया को यूरिन में कन्वर्ट करना और शरीर से बाहर निकालने का कार्य किसका है, किडनी का है। तो ये जो यूरिया साइकिल है किसने डिस्कवर किया था, इसमें मुख्य रूप से तीन अमीनो एसिड हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से, एक का नाम है आर्जिनिन, एक का नाम है ऑर्निथिन और एक का नाम है सिट्रुलिन। तो सबसे कॉमन नेम ऑर्निथिन है, सो इट इज आल्सो कॉल्ड द ऑर्निथिन साइकिल। तो ऑर्निथिन साइकिल का मतलब क्या है, अमोनिया से क्या बनाना, यूरिया, आल्सो कॉल्ड द आर्जिनिन साइकिल, आल्सो कॉल्ड द सिट्रुलिन साइकिल, आल्सो कॉल्ड द क्रेब-हेंसलीट साइकिल। ये साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, सो इट इज आल्सो कॉल्ड द क्रेब-हेंसलीट साइकिल, आल्सो कॉल्ड द यूरिया साइकिल, आल्सो कॉल्ड द आर्जिनिन साइकिल, आल्सो कॉल्ड द ऑर्निथिन साइकिल, आल्सो कॉल्ड द सिट्रुलिन साइकिल। तो जो तीन अमीनो एसिड है मेनली आर्जिनिन, ऑर्निथिन और सिट्रुलिन, ये साइक्लिक वे में क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं, और जो साइक्लिक वे में फंक्शन करते हैं जैसे कारण से क्या बनता है, यूरिया बनता है। अब ये जो यूरिया बन रहा है क्रेब-हेंसलीट के खोजा, आप देखिए इसको यूरिया साइकिल कहते हैं, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। तो जो यूरिया का बनाने का जो इक्वेशन होता है किसको याद है, यूरिया बनाने का समीकरण, अरे आप 2NH3 प्लस 1CO2, देखिए 2NH3 प्लस CO2 यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लीवर सेल्स, यहाँ पर लिख दिया एंजाइम यूरियेज, ये बन रहा है यहाँ पर NH2 CONH2 means यूरिया प्लस H2। ये जो एक क्वेश्चन है, इस एक क्वेश्चन में यूरिया के बनने में कितने अमोनिया यूज हो रहे हैं, दो। अमोनिया एमिनो एसिड के फॉर्म में हो सकता है बाद, क्योंकि प्रोटीन की इकाई एमिनो एसिड होती है, बाद में एमिनो एसिड को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, डीएमिनेसिस प्रोसेस के थ्रू अमोनिया में, और जो कीटो अम्ल होता है वो बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो ये जो दो अमोनिया मॉलिक्यूल हैं ये एमिनो एसिड के फॉर्म में हो सकते हैं, और देखिए किस तरह से रिएक्शन देखते हैं कि ये यहाँ पर एक अमोनिया मॉलिक्यूल है, पहले क्या था यहाँ पर एमिनो एसिड था, एमिनो एसिड से किस में कन्वर्ट हुआ, अमोनिया में कन्वर्ट हुआ। अमोनिया से कन्वर्जन जो हो रहा है उसमें ATP भी यूज हो रहा है एनर्जी, ठीक, और एक स्पेशल कंपाउंड बन रहा है कार्बामाइल फॉस्फेट, कार्बामाइल और इसके बनने में ATP के साथ साथ बाइकार्बोनेट आएंगे। ये पूरा प्रोसेस किसके अंदर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, बाइकार्बोनेट आयन का एडिशन हो रहा है, हाँ पार्टिसिपेट कर रहा है।
देखिए यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस किसमें हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारी लीवर सेल में दो पार्ट में ये रिएक्शन हो रही है, साइटोसोल में, साइटोसोल माने कोशिकाग्र में, और ये जो प्रोसेस हो रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एक पार्ट है हमारे सेल ऑर्गेनेल्स है उसी सेल का। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एमिनो एसिड के इंटर करने से और एटीपी रिएक्शन से एक कंपाउंड बना कार्बामाइल फॉस्फेट। अब यहाँ पर तीन एमिनो एसिड, ये आर्जिनिन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये है ऑर्निथिन और ये है सिट्रुलिन। तो ऑर्निथिन और सिट्रुलिन के बीच में ये कार्बामाइल फॉस्फेट इंटर करता है, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक एमिनो एसिड इंटर कर गया। फिर इसके बाद ये साइटोसोल माने कोशिकाग्र में, तो साइटोसोल में एक एमिनो एसिड होता है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। ये भी किससे बना है, एमिनो एसिड से बना है। तो ये जो एस्पार्टिक एसिड है ये इसमें फिर से इंटर कर रहा है। तो देखिए एक एमिनो एसिड कार्बामाइल फॉस्फेट के रूप में इंटर किया और एक एस्पार्टिक एसिड के रूप में, और अल्टीमेटली क्या बन गया, साइटोसोल में CO2 पहले से रहता है, ठीक है, कोशिकाग्र में। तो दो अमोनिया या एमिनो एसिड इंटर किए एक फॉर्म में और एक एस्पार्टिक एसिड के फॉर्म। तो दोनों ने यहाँ पर एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू यूरिया बनाया और फिर से ये एमिनो एसिड फ्री हो गए, तो इन्होंने फिर से कार्बामाइल फॉस्फेट को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो लगातार ये जो रिएक्शन हो रही है अमोनिया से लगातार क्या कन्वर्ट हो रहा है, यूरिया, दैट इज कॉल्ड द यूरिया साइकिल। तो ये आपका बायोकेमिकल पार्ट है किसमें, एक्सक्रीशन में। तो बायोकेमिकल पार्ट में अमोनिया से क्या बन गया, यूरिया बन गया। अब पार्ट आएगा फिजिकल पार्ट, उस पार्ट में यूरिया को डिसॉल्व करना है किसमें, पानी, क्या बन जाएगा, यूरिन बन जाएगा। तो यूरिया को अब आप यूरिन में डिसॉल्व करना है, तो हम फिजिकल पार्ट में आते हैं। तो फिजिकल पार्ट में तीन स्टेप होते हैं, अब इसमें किसी भी एंजाइम का यूज नहीं हो रहा है, इसमें तीन स्टेप है। एक का नाम है यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, हिंदी में कहते हैं परागस्पंदन, और दूसरा पार्ट है इसका सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, और तीसरा पार्ट है सिक्रीशन। अगर आप इस स्टेप को, तीनों को ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से लिख पाएंगे। पहले तो आपने देख लिया कैसे यूरिया बन रहा था, यूरिया बनने के बाद हमने देखा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन परागस्पंदन हिंदी में कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पूरी बॉडी में जो आर्टेरियोल्स होती है, धमनिकाएं होती हैं, उसमें नॉर्मली प्रेशर ज़्यादा रहता है, और उस प्रेशर के कारण उससे लिक्विड क्या होता है, बाहर निकलता रहता है। तो यहाँ पर जो एफरेंट आर्टेरियोल है और ये इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है ना, दोनों ही धमनिकाएं हैं, इन दोनों के नेटवर्क से बन रहा है यहाँ पर ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस इज द ग्रुप ऑफ कैपिलरीज। तो इस कैपिलरीज में खुद का जो ब्लड का प्रेशर है, ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, वो अभी मैंने आपको बताया जीबीएचपी, वो कितना था, 60 mmHg था। ये 60 mmHg के कारण ब्लड फिल्टर होना चाहता है, लेकिन ब्लड के अंदर खुद के जो नॉन डिफ्यूजिबल प्रोटीन है वो इसके ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को बनाए रखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हमारी बॉडी से लिक्विड कहाँ निकले, बाहर निकले। तो वो प्रेशर कहलाता है BCOP, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका मान होता है 32 mmHg। ये इसको रोक रहा है कि ना फिल्टर हो लिक्विड, और यहाँ पर जो लिक्विड छन कर आ गया है वो नीचे से आप थ्रस्ट पर लगाता है ताकि और फिल्टर ना हो, उसको कहते हैं CHP। तो CHP का जो मान होता है वो 89। ये दोनों मिल करके फिल्ट्रेशन को रोक रहे हैं और ये फिल्टर करना चाह रहा है। सपोज करिए कि 60 kg का एक व्यक्ति धक्का दे रहा है और दो लोग हैं, एक 32 kg का, एक 18 kg, वो उसको क्या कर रहे हैं, फोर्स को रोक रहे हैं, फिर भी आप देखेंगे डिफरेंस कि इसका जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है। तो 10 mmHg का जो वास्तविक प्रभावी निष्पंदन दाब है उसके कारण से यहाँ से लिक्विड निकल कर फिल्टर होकर यहाँ पर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, परानिष्पंदन। अब इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ये जो इसकी आउटर वाल है और ये जो इनर वाल है, इनर वाल में यहाँ पर जो सेल्स होती है उसको पोडोसाइट्स कहते हैं, और ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं GBHP में, ये इन कैपिलरीज में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और ये जो स्मॉल पोर्स होते हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लीकेज आउट ऑफ द लिक्विड विद द आयंस एज वेल एज मिनरल्स। तो यहाँ से ये लिक्विड जो निकल कर बाहर आ गया उसके कारण से जो हमारा वास्तविक प्रभावी निष्पंदन दाब है, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, वो है यहाँ पर 10 mmHg। इसके कारण से
लगातार लिक्विड कहाँ निकल रहा है, फिल्टर होकर बाहर आ रहा है। अब कितना लिक्विड आ रहा है मैंने अभी आपको अमाउंट बता दिया कि इतने ml जो है हर मिनट आ रहा है या इतने ml जो है क्या आ रहा है पर डे निकल रहा है। दूसरा पार्ट आप देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सेलेक्टिव रिएक्शन। जैसे कोई एथलीट होता है जब बहुत तेज दौड़ता है तो जहाँ पर उसको रुकना होता है वहाँ पर नहीं रुक करके थोड़ा आगे तक भागता है। एक रस्सी बंधी हुई है, हमको 100 मीटर दौड़ करनी है तो हम वहीं नहीं रुक जाएंगे बिल्कुल, हमारे को ब्रेक थोड़ी लगा है, हम जब दौड़ेंगे तो थोड़ा सा फोर्स में आगे निकल जाएंगे मोमेंटम के कारण। यही कंडीशन है कि जब यहाँ प्रेशर से लिक्विड छनता है तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज के साथ साथ लॉट ऑफ यूजफुल मटेरियल्स आल्सो फिल्टर्ड आउट फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। बहुत सारे ऐसे पार्ट छनकर आ जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, यूजफुल है, लेकिन प्रेशर से छना तो उसमें ग्लूकोज भी बाहर आ गया, बहुत सारे एमिनो एसिड आ गए, कीटोन आ गए, फॉस्फेट आ गए, सोडियम आ गए, ठीक है, क्लोराइड्स आ गए, बहुत सारे आयंस आ गए। इन सारे आयंस को वापस क्या करना है, रीअब्सॉर्ब करना है। अगर ये रीअब्सॉर्ब नहीं होंगे तो पूरा यहाँ से यूरिन के थ्रू सारा जो इतना वेस्ट मटेरियल के साथ साथ यूजफुल मटेरियल कहाँ निकल जाएगा, शरीर से बाहर, और हमको वीकनेस आ जाएगी। तो अब ये सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन का काम करती है ब्लड कैपिलरी। तो ब्लड कैपिलरी तो ये है, इसका मतलब है जो इफ्रेंट आर्टेरियोल है दैट इज रैप्ड अराउंड द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में चारों तरफ से ये लिपटी होगी, लेकिन हम अलग इसलिए बनाते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो क्योंकि ये इसके स्ट्रक्चरल पार्ट है। तो ये जो इफ्रेंट आर्टेरियोल है चारों तरफ से ऐसे करके इसको घेरे रखी है, इसे कहते हैं पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क, पेरी माने सराउंडिंग। तो इस वाले पूरे नेफ्रॉन के चारों तरफ ये वाली कैपिलरी इसको घेर लेती है। जब इसको घेरे रहेगी तो ये तो फिल्टर होकर के या फिल्टर यहाँ पर आ गया, कहाँ से घेरना शुरू करेगी, प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूबुल को, डिसेंडिंग लोब को, एसेंडिंग पार्ट को, डिस्टल कन्वर्टर पार्ट को, इतने पार्ट को ये घेर लेगी। दैट इज कॉल्ड द सेलेक्टिव रिएक्शन। अब पूरा जो एक्सक्रीशन है उसका सबसे मेन पार्ट यही है। अभी आप देखिए इस पार्ट में जो भी लिक्विड छन के आया है इट कंटेन्स द लॉट ऑफ वाटर एज वेल एज मिनरल्स एज वेल एज ग्लूकोज एज वेल एज आयंस एमिनो एसिड्स एक्सेट्रा, सारी चीजें जस्ट इक्वल टू द ब्लड। जितना हमारा कंसंट्रेशन ब्लड का है वही पूरा कंसंट्रेशन यहाँ नेफ्रिक फिल्ट्रेट का है। सो दिस फिल्ट्रेट इज कॉल्ड द आइसो ऑस्मोटिक, हिंदी में कहते हैं समफरासारी। इसका जो कंसंट्रेशन है दैट इज इक्वल टू द ब्लड, जैसा हमारे ब्लड का कंसंट्रेशन है सेम वही कंसंट्रेशन इस फिल्ट्रेट का है। सो इज कॉल्ड द आइसोसमोटिक, इसका मतलब ये हमारा जो फिल्ट्रेट है वो समपरासारी है। अब ये जो प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल की पार्ट होती है इसकी जो सेल्स होती है हाईली क्या होती है, एब्जॉर्प्टिव होती है। इसमें यहाँ पर ढेर सारे माइक्रोविलाई होते हैं और माइक्रोविलाई के कारण इसका जो सरफेस एरिया है बहुत बढ़ जाता है। किस पार्ट का, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल का। तो अब जब ये वाली एफरेंट आर्टेरियोल चारों तरफ से इसको रैप करेगी तो ये जो यूजफुल मटेरियल है ये पूरे नेफ्रिक फिल्ट्रेट के साथ कहाँ पर पहुंचे, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल। इस पार्ट से ये जो आर्टेरियोल है ये एब्जॉर्ब करेगी वाटर, अब वाटर के साथ साथ क्या एब्जॉर्ब करेगी, ग्लूकोज, इसके अलावा Na प्लस Cl माइनस एमिनो एसिड्स एक्सेट्रा, सारी चीजें, मतलब जितना वाटर या जितना सॉल्वेंट रिलीज होगा उतने ही आयरन और मिनरल्स भी रिलीज होंगे, उतने ही साल्ट रिलीज होंगे, उतने ही यहाँ पर मेटल्स रिलीज होंगे, ताकि दोनों का कंसंट्रेशन क्या रहे, सेम बना रहे। तो जितना सॉल्वेंट उतने ही सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों लगातार इसकी बॉडी से ऊजेज आउट होकर निकलेंगे, इसमें पहुंचेंगे। ये एफरेंट ही है जो ऐसे आ रहे हैं, इस एफरेंट आ रहे हैं। अब आप देखिए कि अगर किसी सॉल्यूशन से हम सॉल्वेंट भी निकालें और सॉल्यूट भी निकालें बराबर कंसंट्रेशन में तो उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर आते आते अभी भी ये जो फिल्ट्रेट है ये आइसोस या आइसोटोनिक सीएसडी कहते हैं, क्या है, आइसोटोनिक माने समपरासारी। अभी भी ये फिल्ट्रेट समपरासारी है क्योंकि फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल ए लॉट ऑफ वाटर मिनरल्स ग्लूकोज एमिनो एसिड्स
सोडियम आयन क्लोराइड एंड NaCl एटसेट्रा ऑल आर रिलीज्ड आउट एंड अल्टीमेटली रीच इनटू द एफरेंट आल्टीट्यूड। अब इस वाले पूरे पार्ट में जो माइक्रोविलाई थे उस माइक्रोविलाई ने सबसे पहले इसको एब्जॉर्ब कर लिया। यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी है और डिफ्यूजन भी है। ये कहीं पूछते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आयन हमको एब्जॉर्ब करने हैं जिसके लिए ATP की एनर्जी खर्च हो रही है, तो इट इज फैसिलिटेटेड बाई द एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाय यूज ऑफ एनर्जी। तो ATP के थ्रू यहाँ पर रिलीज किया और जब ये वाली इसकी सेल्स एब्जॉर्ब कर लेंगी तो यहाँ से जो आर्टिक्यूल्स में पहुँचाया है वो डिफ्यूजन हो जाएगा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एज वेल एज डिफ्यूजन बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लॉट ऑफ वाटर एमिनो एसिड्स आयंस एज वेल एज साल्ट। तो दोनों प्रोसेस यहाँ पर लगे। अब हम किस पार्ट में आते हैं, दिस इज द यू शेप स्ट्रक्चर पार्ट का हेनले लूप। और हेनले लूप में ये कौन सा पार्ट है, डिसेंडिंग, क्योंकि यहाँ से आ रहे हैं इसलिए डिसेंडिंग, ठीक है। और यहाँ से ऊपर जा रहे हैं लिक्विड एसिड फिल्टर होता हुआ आगे जाएगा कहाँ तक, कलेक्टिंग बेड। तो ये जो डिसेंडिंग लूप है अवरोही भुजा इसको कहते हैं। तो ये जो इसकी परमिएबिलिटी, मैंने आपको बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, क्योंकि जो उसकी परमिएबिलिटी है उसी परमिएबिलिटी से ही पूरी लाइफ हमारी चल रही है। अब ये जो आपका डिसेंडिंग पार्ट है इसकी जो परमिएबिलिटी है मेम्ब्रेन की, इट इज हाईली परमिएबल फॉर द वाटर। ये पार्ट हमारा वाटर के लिए हाईली परमिएबल है एंड इम्परमिएबल फॉर द अदर्स, अदर्स में सब आ जाते हैं चाहे वो आयन्स हो चाहे ग्लूकोज हो। तो या इस वाले पार्ट से लगातार लिक्विड निकलेगा H2O बिकॉज इट इज हाईली परमिएबल फॉर द वाटर। किसी भी सॉल्यूशन से या फिल्ट्रेट से लगातार आप पानी भर बाहर निकाल लें सॉल्वेंट तो वो कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट में ये जो बचा इट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अति परासारी हिंदी में कहते हैं, गाढ़ा हो गया ये, क्योंकि यहाँ से हमने लॉट ऑफ वाटर क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब हम किस में आते हैं, इन द एसेंडिंग आर्म ऑफ द हेनले लूप। ये जो एसेंडिंग आर्म आप देख रहे हैं कि लगातार वाटर निकाल लिया तो कंसंट्रेट हो गया, इसका मतलब है अब हमको ऐसे मटेरियल्स यहाँ से निकालने होंगे जिसके कारण से ये अति परासारी बने, हाइपरटोनिक से पहले क्या हो जाए, आइसोटोनिक। पहले अति परासारी में गाढ़ा है तो पहले पतला नहीं हो जाएगा, पहले क्या होगा, सम परासारी होगा। तो अब यहाँ इस वाले पार्ट में द असेंडिंग आर्म ऑफ द हेनले लूप इज परमिएबल फॉर द NaCl। अब ये लगातार NaCl के लिए परमिएबल, NaCl मीन्स साल्ट, आप सबको पता है लगातार साल्ट निकालेंगे, वाटर नहीं निकालना। और इम्परमिएबल टू वाटर, वाटर के लिए परमिएबल है, वाटर इससे नहीं निकल सकता। तो आप लगातार साल्ट निकालेंगे तो ये जो गाढ़ा था सॉल्यूशन ये फिर से कैसा हो जाएगा, आइसोटोनिक, सम परासारी। अब आप देख रहे हैं असेंडिंग पार्ट में प्रॉब्लम है, इसमें कुछ पार्ट थिन है, कुछ पार्ट क्या है, तो ये जो थिन पार्ट है इट इज ओनली परमिएबल टू द NaCl एंड द थिक पार्ट इज परमिएबल फॉर द आयंस, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर आते आते जो सॉल्यूशन बचा है इट इज, ये जो सॉल्यूशन है ये हो गया यहाँ पर आइसोटोनिक माने सम परासारी, गाढ़े से फिर से क्या आ गया, नॉर्मल हो गया। दिस इज कॉल्ड द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। अब ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है इट इज ओनली परमिएबल फॉर द Na+ एज वेल एज Cl-, तो Na+ और Cl- के लिए परमिएबल। अब किसी भी सॉल्यूशन से फिर से आप आयन निकाल लें या साल्ट निकाल लें तो वो पतला हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो डाइल्यूट होने के बाद यहाँ पर जो लिक्विड बचा अल्टीमेटली जो कहाँ इंटर करने वाला है, कलेक्टिंग डक्ट में, इज दिस कॉल्ड द हाइपोटोनिक। हाइपो मने होता है कम, हिंदी में कहते हैं कम परासारी, हाइपर मने अति। तो आप देख रहे हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन आफ्टर द प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड टू बूल इट इज अगेन आइसोटोनिक, इन दैट डिसेंडिंग लूप इट इज ओनली परमिएबल फॉर द वाटर सो इट इज हाइपरटोनिक, एंड द असेंडिंग पार्ट इट इज परमिएबल फॉर द साल्ट एज वेल एज आयंस सो इट बिकम्स अगेन आइसोटोनिक, एंड अल्टीमेटली द रिमूवल ऑफ द आयंस ओनली इट अगेन बिकम टू द हाइपोटोनिक। तो हाइपो करे कम परासर, लगातार देखिए परमिबिलिटी बदल रही है।
कुछ नहीं हो रहा, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, केवल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी चेंज होती जा रही है और हमारा जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है उसका ऑटोमेटिक कंसंट्रेशन चेंज हुआ और ये हो गया हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब है हमारा जो यूरिन रिलीज हो रहा है वो ऐसा डाइल्यूट हो गया पतला। अब ये वाला जो लास्ट पॉइंट है कलेक्टिंग डक्ट जिसको कहते हैं, तो कलेक्टिंग डक्ट इज परमिएबल फॉर पार्शली परमिएबल फॉर वाटर एज वेल एज द लोएस्ट पार्ट फॉर द यूरिन। जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट है उसमें जो अपर पार्ट है वो वाटर के लिए परमिएबल है और जो लोअर पार्ट है दैट इज परमिएबल फॉर द यूरिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बहुत सारा यूरिया निकल जाएगा, जितना यहाँ पर एक्स्ट्रा यूरिया है लिक्विड में वो निकल गया, वाटर निकल गया और अल्टीमेटली जो बचा यहाँ से बाहर आया, कहाँ पहुँचा, यूरेटर में, दैट इज कॉल्ड द यूरिन। तो ये यूरिन नहीं है, इस पूरे प्रोसेस के थ्रू जहाँ पर लास्ट में वो यूरेटर में पहुँच रही है वाया द कलेक्टिंग डक्ट, इट इज कॉल्ड द यूरिन। तो आप देख रहे थे कि नेफ्रिक फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन ब्लड के कंसंट्रेशन के समान है, उसमें ब्लड की तरह ही क्या होता है, वाटर होता है, साल्ट होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, सब होते हैं। और जो यूरिन है हमारा, यूरिन में क्या होता है, इट कंटेन्स द 95% वाटर अप्रॉक्स, और इसके अलावा वाटर के अलावा क्या है इसमें, यूरिया है, कितना है, डन कर लीजिए 2.6% यूरिया है। कई बार पूछा गया यूरिन में, इन द यूरिन 95% वाटर है, 2.6% यूरिया है, 2% अननेसेसरी साल्ट है या आयंस है अननेसेसरी, जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है। 2.6% यूरिया है, इसके अलावा कुछ अमाउंट में क्या होता है, ड्रग्स को नहीं कह सकते उसको, कीटोन बॉडीज है, आर्जिनिन है, एटसेट्रा, ये सारे मटेरियल्स हैं। तो देखिए मेनली यूरिया आप समझ लीजिए 2% जो आयंस होते हैं अननेसेसरी साल्ट के अनावश्यक वो निकल जाते हैं, लॉट ऑफ वाटर होता है, एज वेल एज द कलर ऑफ यूरिन इज पेल येलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम। अब आप देखिए थोड़ा सा डिफरेंस हुआ, यूरोक्रोम इज ऑल्सो द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन। देखिए ये भी हीमोग्लोबिन से बन रहा है, लेकिन हमने वहां पर जब बाइल यूज पढ़ा था तो वर्ड यूज हुआ था बाइलीरुबिन एज वेल एज बाइलीवर्डिन। ये भी लीवर से रिलेटेड था, क्योंकि लीवर ही क्या बनाया था, बाइल यूज बना रहा था, लीवर नहीं क्या बनाया, अमोनिया से यूरिया बनाया। और यहां पर एक पिगमेंट होता है यूरोक्रोम, तो यूरोक्रोम इज फॉर्मड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो यूरो से आप याद कर लेंगे, यूरो कहाँ है, यूरिन के लिए वर्ड यूज हो रहा है, और क्रोम माने पिगमेंट। तो जो हमारी यूरिन में जो येलो कलर का पिगमेंट है वो यूरोक्रोम है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेल येलो कलर ऑफ द यूरिन। इसी कारण से इनका ये हल्का पीला रंग हो जाता है। जब कोई डिसीज होती है तो यूरो हीमोग्लोबिन का डिकम्पोजिशन बहुत तेजी से होता है, और जितना तेजी से डिकम्पोजिशन होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पर यूरोक्रोम बनेगा, तो ऑटोमेटिक आपके यूरिन का कलर क्या हो जाएगा, डार्क येलो हो जाएगा। तो ये हमारा जो यूरिन बन रहा है इस पूरे प्रोसेस को, अभी देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, अभी तीसरा स्टेप आपने छोड़ दिया, कौन सा, सीक्रेशन। यूरिन तो बना दिया, अब यूरिन बनने के पहले एक छोटा सा स्टेप और था कि सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन में हमने जितने भी यूजफुल मटेरियल थे जो अननेसेसरी छन गए थे उसको क्या कर लिया, रीअब्सॉर्ब कर लिया। अब जो सीक्रेशन है, अगर कुछ पार्ट छनने से रह जाता है, सपोज करिए कुछ पार्ट इसमें रह गया जो फिल्टर नहीं हो पाया, तो वो पार्ट इससे रिलीज होगा, इससे एफरेंट अल्टीलोइफरेंट अल्टीलोल से, और वापस कहाँ पहुंचेगा, वोमन कैप्सूल और प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब में, दैट इज कॉल्ड द सीक्रेशन। ऐसा नहीं कि कहीं भी पहुंच जाएगा, फिक्स है, या तो वोमन कैप्सूल में और प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब में जो पार्ट अननेसेसरी नहीं छन पाया या अननेसेसरी है बॉडी के लिए, वो फिर से हमारी इफरेंट अल्टीलोल क्या कर देगी, रिलीज कर देगी, इस कॉल्ड द सीक्रेशन। तो सबसे मेन स्टेप क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो प्रेशर डिफरेंस के कारण हो रहा है, और इसके बाद सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। तो सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन में केवल परमिबिलिटी बदल रही है, आप लर्न रखिए ये वाला प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब में सारे पार्ट रिलीज होंगे, जो हमारा डिसेंडिंग आर्म है उसमें केवल वाटर रिलीज होगा,
जो हमारा ascending part है, that is responsible for the oozing out of the NaCl as well as ions, और जो हमारा distal convoluted tubule है, वो केवल ions के लिए permeable है, और हमारी collecting duct है, it is partially permeable या partially permeable for the urea as well as water. तो urea और water दोनों release होने के बाद जो बचेगा तो ultimately वो क्या है? Urine है. तो आपको दोनों step लग करने हैं. यहाँ पर biogeochemical cycle के हिसाब से आ रहा है. तो अगर आपने देखे यहाँ पर कि यूरिया साइकिल जो हमारा बना, यूरिया साइकिल के थ्रू यूरिया बन रहा है अमोनिया से, और ये पूरे प्रोसेस है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से लेकर सेलेक्टिविटी एब्जॉर्प्शन से लेकर सीक्रेशन से लेकर के किस तरह से यूरिन बन रही है. अब इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि यूरिन का डायल्यूशन और कंसनट्रेशन को रेगुलेट कैसे करते हैं, कि कैसे हमारी यूरिन क्या हो जाती है, डायल्यूट हो जाती है, और कब हमारी यूरिन क्या हो जाती है, कंसनट्रेट हो जाती है. ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है. तो आपको पता है कि यूरिन का कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन दोनों के लिए हार्मोनल कंट्रोल है. परमिएबिलिटी तो है, लेकिन परमिएबिलिटी चेंज कैसे हो रही है? हार्मोन से हो रही है. जो हार्मोन है हमारे, वो ब्लड स्ट्रीम में जाकर के परमिएबिलिटी को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं. तो परमिएबिलिटी को चेंज करने के लिए दो हार्मोन है, एक का नाम है एंडोस्टेरॉन और एक का नाम है यहाँ पर ADH. ADH का पूरा नाम पता है आपको? एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन. इट इज आल्सो कॉल्ड द वैसोप्रेसिन रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड एज वेल एज एल्डोस्टेरॉन रिलीज्ड बाय द एड्रिनल ग्लैंड. अरे किडनी के टॉप पर एक टोपी नुमा रचना लगी होती है ऐसी, इज द कैप लाइन इज कॉल्ड द एड्रिनल ग्लैंड. इट रिलीज्ड द हार्मोन एल्डोस्टेरॉन. एड्रेनलिन भी है, वो अलग है. आपको पता होगा इसमें दो पार्ट है, कॉर्टिकल पार्ट और मेडुला पार्ट. तो जो मेडुला पार्ट है उसमें है कौन कौन सा? एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन. और जो कॉर्टिकल पार्ट है उसमें तीन है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स उसी का एग्जांपल है, दूसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और तीसरा सेक्स हार्मोन. तो ये तीनों किससे रिलीज हो रहे हैं? कॉर्टिकल पार्ट से. और मेडुला पार्ट से रिलीज हो रहे हैं एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन. तो इसमें कौन हेल्पफुल है? कॉर्टिकल पार्ट से निकला हुआ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. मिनरलोकॉर्टिकॉइड जस्ट लाइक द स्टूडेंट, जैसे आपको एक स्टूडेंट उधर बैठा है और फिर अगर आपका नाम ले तो वो क्या है? तो एंडोस्टेरॉन पर्टिकुलर नाम है और मिनरलोकॉर्टिकॉइड से ग्रुप कर रहा है, ठीक है. तो ये दोनों हार्मोन एंडोस्टेरॉन रिलीज बाय द एड्रेनल ग्लैंड या कह सकते हैं कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड एज वेल एज एंटी डायबिटिक हार्मोन व्हिच इज रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड. अब पिट्यूटरी में कौन सी पिट्यूटरी से? एंटीरियर की पोस्टीरियर? एंटीरियर. आप बताओ, एक से सात हार्मोन रिलीज होते हैं, एक से केवल दो होते हैं. अगर पिट्यूटरी पस पिट्यूटरी, ठीक है, कौन कौन से दो होते हैं? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन. हमारे यहाँ पर ऑक्सीटोसिन किसमें हेल्पफुल है? ऑक्सीटोसिन यस यस. अभी हम ये पढ़ रहे हैं, अभी हम इसको पढ़ रहे हैं वैसोप्रेसिन. अब आप देखिए, जैसे बॉडी में वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ता है, मान लीजिए पानी हम ज्यादा पी रहे हैं, तो जैसे बॉडी में वाटर अमाउंट बढ़ा, ठीक है, तो वाटर आपको पहले पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में दो तरह के फ्लूइड होते हैं. एक हमारी साइटोप्लाज्म में है, सेल के अंदर, दैट इज कॉल्ड द इंट्रासेलुलर फ्लूइड. क्या कहते हैं? हमारी बॉडी सेल के अंदर जो लिक्विड है, दैट इज इंट्रासेलुलर. अब एक को कह देंगे एक्स्ट्रा सेलुलर. एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है बॉडी के बाहर. बॉडी के बाहर जो लिक्विड है कौन कौन सा है? टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है, टिश्यू फ्लूइड है. और बताइए, लिम्फ है, लिम्फ भी उसी में आता है. और हाँ, वो जूस है, लेकिन ठीक है, मेन समझ लीजिए इंट्रा एक्स्ट्रा सेलर. इसमें मेनली क्या आ रहा है एक्स्ट्रा सेलर में? टिश्यू फ्लूइड आ रहा है. टिश्यू फ्लूइड कहाँ से आता है? जो हमारी जितनी भी कैपिलरीज होती है, लगातार लिक्विड यूजेज आउट होता है, दैट इज कॉल्ड द टिश्यू फ्लूइड. अब आप देखिए यहाँ पर, जैसे बॉडी के अंदर वाटर का अमाउंट बढ़ता है, हम ज़्यादा पानी पीते हैं या किसी अन्य कंडीशन के कारण पानी की मात्रा बढ़ जाती है, तो अब जब पानी की मात्रा बढ़ेगी
तो हमारे में यूरिन जो होगी ज्यादा मात्रा में रिलीज होगी। निश्चित है कि हम ज्यादा पानी पिएंगे तो ये ज्यादा मात्रा में रिलीज होगी, और जब ज्यादा मात्रा में रिलीज होगी तो एक डिजीज होती है उसे कहते हैं यहाँ पर डायबिटीज से जुड़ी है, लेकिन डायबिटीज नहीं है वो, नहीं वो एक्चुअल डायबिटीज, डायबिटीज इंसिपिडस एक डिजीज होती है, डायबिटीज इंसिपिडस, और एक होती है डायबिटीज मेलिटस। तो जो मेलिटस है वो डायबिटीज है, डायबिटीज मेलिटस का मतलब है किसका कंसंट्रेशन बढ़ गया ग्लूकोज में, और डायबिटीज इंसिपिड माने होता है टेस्टलेस। जैसे हमारे आंसू में एक निश्चित मात्रा में साल्ट का कंसंट्रेशन रहता है ना, उसी तरह से यूरिन जो रिलीज होती है उसमें एक निश्चित मात्रा में साल्ट है। तो जो एक निश्चित मात्रा में साल्ट है, अगर उस साल्ट बहुत ज्यादा उसमें एक्स्ट्रा वाटर आ जाएगा, वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, हाइपोटोनिक आ जाएगी, तो इसे कहेंगे डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें कभी कभी एक दिन में यहाँ पर 8 से 10 लीटर यूरिन तक बॉडी से क्या हो सकती है, रिलीज हो सकती है। नॉर्मली कितनी होती है, 1.5 से 2 लीटर, लेकिन यहाँ पर 8 से 10 लीटर हो सकती है। दैट इज कॉल्ड द डायूरेसिस, आल्सो कॉल्ड द डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिड मतलब टेस्टलेस, मतलब यूरिन में इतने कम साल्ट रह गए हैं, वाटर इतना ज्यादा हो गया है कि यूरिन में जो डिजीज हो गई इज कॉल्ड द डायूरेसिस। अब ये होता क्यों है, जैसे वाटर का अमाउंट बढ़ता है तो ये दो हार्मोन, तो आपकी बॉडी में जो ADH हार्मोन है एंटी डायूरेटिक, मतलब ये बहुत ज्यादा डायल्यूशन को क्या कर रहा, रोक रहा है, डायूरेसिस को रोकने वाला एंटी डायूरेसिस, तो इसका अमाउंट कम हो जाता है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से ADH हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है, उसी समय एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन क्या होता है, बढ़ जाता है। जब एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा तो हमारी जो नेफ्रॉन है और पूरे नेफ्रॉन का जो अलग अलग पार्ट है, दैट इज फुल्ली परमिएबल कि नॉन परमिएबल फॉर द वाटर, क्या होगा उस समय, नॉन परमिएबल। हमारी ये जो डिसेंडिंग आर्म है ये नॉन परमिएबल हो जाएगी वाटर के लिए, वाटर को रीअब्सॉर्ब ब्लड वेसल नहीं कर पाएगी, और जब लॉट ऑफ वाटर को रीअब्सॉर्ब नहीं करेगी तो ये वाटर इस नेफ्रिक फिल्टर में बना रहेगा और यूरिन को क्या कर देगा, हाईली डाइल्यूट कर देगा, इट्स कॉल्ड अ डायूरेसिस, और लगातार यूरिन बहुत ज्यादा मात्रा में बॉडी से रिलीज होती रहेगी। जब हम क्या लेते हैं, पानी की मात्रा किसी भी कंडीशन में बढ़ जाती है, अगर हमारे अंदर वाटर लॉस हो जाए या हमें पानी पीने को ना मिले, या बहुत से लोग होते हैं पानी नहीं पीते, कम पीते हैं, पीना चाहिए, मैं भी कम पीता था पहले, तो किडनी स्टोन हो गए कई बार, तो फिर पीने लगे, आप सोचते हैं कि प्यास नहीं लग रही, काम चल जाएगा। आप सोचो कि अगर आपके पास एक बाल्टी पानी है ना, कहीं शादी हुई हो, सारे बर्तन रखे हो, बोलेंगे एक बाल्टी पानी है, नहीं। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जितनी इम्प्योरिटीज हैं, जितना पानी पिएंगे वो लॉट ऑफ एसिडिटी मटेरियल वाटर में डिजॉल्व होकर कहाँ निकल जाएंगे, बाहर। वहाँ पे पानी नहीं पिएंगे तो सारे एसिडिटी मटेरियल, नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल बॉडी में आपके किडनी में फिल्टर नहीं हो पाएंगे, और किसी न किसी फॉर्म में ब्लड में या किडनी में रहेंगे, और आपको क्या करेंगे, डिसीज कॉज करेंगे। तो जैसे ही शरीर में पानी की कमी हो जाती है किसी कंडीशन में, या तो आप ऐसे क्लाइमेट में जहाँ पानी नहीं मिल पा रहा है, उस समय अब क्या होगा, इसका सिक्रीशन बढ़ेगा ADH। जब पानी की क्या थी, एक्सेस अमाउंट का अधिकता थी, इसका सिक्रीशन कम या बंद हो गया, इसका बढ़ गया था एल्डोस्टेरोन। जैसे ही पानी की मात्रा कम होगी तो इसका सिक्रीशन बंद हो जाएगा और ADH का सिक्रीशन बढ़ेगा तेजी से। जैसे ही ADH का सिक्रीशन बढ़ेगा, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोर एंड मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। इसका मतलब है कि हमारी जो डिसेंडिंग आर्म है हेले लूप की, दैट बिकम द हाईली परमिएबल फॉर द वाटर। इतनी ज्यादा परमिएबल हो जाएगी कि सारा वाटर, लॉट ऑफ वाटर नेफ्रिक फिल्टर से हमारा ब्लड क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए एब्जॉर्ब कर लेगा कि ब्लड का कंसंट्रेशन नॉर्मल रहे, और निश्चित है कि जो इम्प्योरिटीज हैं कम वाटर में डिजॉल्व होकर निकलेंगी, तो यूरिन कंसंट्रेट हो जाएगा, डार्क येलो कलर का होगा, और आपको इरिटेशन हो सकता है, यूरिन में जलन हो सकती है यूरिनरी प्रोसेस में, और तरह तरह की आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये हार्मोन किस तरह से परमिबिलिटी को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब हार्मोन की परमिबिलिटी चेंज होती है, पूछते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है, नाम सुना है, फिर उन्हें बता सकता है कोई क्या होगा, कॉर्टिकल पार्ट में ना होकर के जो हमने दूसरा वाला नेफ्रॉन बताया था जस्टा मेडुलर, उसमें होता है। और ये वाले नेफ्रॉन जस्टा मेडुलर तभी एक्टिव होते हैं
जब हमें वाटर की क्या होती है, कमी होती है। आयनिक बैलेंस देखिए कैसे है, नेफ्रॉन तो इसी टाइप का है, बस उसमें हेलियम लूप क्या होता है, लंबा होता है, और ये जो डिस्टल कन्वर्टेड पार्ट है ये इसके नजदीक आ जाता है कहाँ, आर्टेरियोल्स। तो जैसे हमने यहाँ पर बनाया ये नेफ्रॉन लंबी सी लॉन्ग ट्यूब, अभी जो इतनी लंबी ट्यूबुल है तो मेडुला के बिल्कुल नीचे तक आ रही है किडनी, और इसके बाद ये वाला जो पार्ट डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल ये किसके इक्विवेलेंट आ जाता है, बोमेन कैप्सूल। अब ये बोमेन कैप्सूल में ये कैपिलरीज है एफरेंट और ये है इफरेंट, और ये वाला डिस्टल कन्वर्टेड पार्ट है बाद में क्या है, कनेक्टिंग है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ जाते हैं। अब इसकी जो सेल्स होती है इनर सेल, इसकी डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल दैट इज कॉल्ड द मैकुलर डेंसा, इसे क्या कहते हैं, मैकुलर डेंसा कहते हैं। ये जो कैपिलरीज हैं इसकी सेल्स और इसकी सेल्स एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाती हैं, और जब एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगी तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही वाटर की शॉर्टेज होती है तो आप देख रहे हैं फिनोमेना यही है, यहाँ पर लॉट ऑफ आयंस रिलीज हो रहे हैं इस साल्ट के फॉर्म में या Na और Cl- माइनस के, ये जितने भी साल्ट यहाँ से रिलीज होते रहेंगे तो ये इस मेडुलरी पार्ट में रहेंगे, और मेडुलरी पार्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब मेडुलरी पार्ट का कंसंट्रेशन हाई हो रहा है तो इसके चारों ओर यहाँ पर जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज घेरे हुए हैं इसको दैट इज कॉल्ड द नो, एक अलग से नाम दिया गया उसके लिए, जो आर्टेरियोल्स चारों तरफ से घेरे हुए हैं उसको एक अलग से नाम दिया गया, क्या कहते हैं उसको, रेक्टा, ठीक है। यहाँ पर जो है ये रेक्टल कैपिलरीज, ये वाली कैपिलरीज यहाँ पर लगातार मिनरल्स रिलीज हो रहे हैं Na प्लस Cl माइनस आयन और क्या साल्ट रिलीज हो रहे हैं, ये वाली कैपिलरीज में जो इसका असेंडिंग पार्ट है इसका हेनले लूप का, वहाँ पर इसकी जो कैपिलरी होती है उसका नाम है डिसेंडिंग कैपिलरी, और जहाँ पर ये वाला पार्ट डिसेंडिंग है वहाँ पर इसका नाम है असेंडिंग, ये रिवर्स होती है, यहाँ पर ये डिसेंडिंग कैपिलरी और यहाँ पर ये असेंडिंग कैपिलरी। तो ये कैपिलरी लगातार इससे जो मिनरल्स निकल रहे हैं साल्ट निकल रहे हैं उसके कारण से यहाँ का कंसंट्रेशन क्या होता है, हाई हो जाता है, तो ये यहाँ पर इस कंसंट्रेशन को लगातार क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ पर इस वाले पार्ट में लगातार वाटर के लिए परमिएबल है, तो यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है, तो यहाँ से ये वाटर को क्या करते रहते हैं, एब्जॉर्ब करते रहते हैं, तो इस वाले पार्ट में डिसेंडिंग पार्ट में लगातार वाटर एब्जॉर्प्शन करते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, मिनरल्स एब्जॉर्प्शन करते हैं और उसको क्या कर देते हैं, आयनिक बैलेंस को चेंज कर देते हैं, ये वाला आयनिक बैलेंस यहाँ आ जाता है और ये वाला आयनिक बैलेंस यहाँ आ जाता है, जिसके कारण से लगातार फैसिलिटेटेड मूवमेंट होता है और एक्स्ट्रा वाटर लगातार किससे निकलता रहता है, नेफ्रॉन से, और नेफ्रॉन से वाटर निकलने के कारण ये वाले पार्ट में यूरिन कंसंट्रेट होकर शरीर से बाहर निकलती रहती है। तो ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है बिल्कुल सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं, केवल आपको यहाँ पर जो जस्टम मेडुलर नेफ्रॉन है उसको ध्यान रखना है कि ये इसका जो हेनले लूप है वो क्या होता है, थोड़ा लंबा होता है, डिस्टल कन्वर्टेड पार्ट की जो सेल्स होती है उसे मैकुला डेंसा कहते हैं, ये बिल्कुल पैरेलल आ जाती है किसके, कैपिलरीज के, और यहाँ पर जो पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क है किसको घेरे हुए है, नेफ्रॉन को, उसका अलग आते हैं। इतना ही डिफरेंस है, और आपको इसमें मेन चीज़ पढ़नी होती है कि यहाँ पर कैसे इसकी ऑस्मोलैरिटी चेंज होती है, ठीक है ना। सामान्य रूप से जो हमारा यहाँ का फिल्ट्रेशन लिक्विड है उसकी जो ऑस्मोलैरिटी है कितनी मानी गई है, 300 ml होती है, पर क्या लीटर, 300 ml ऑस्मोल पर लीटर H2O ऐसा मान। और जैसे ही वाटर बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाता है तो मेडुलरी पार्ट किडनी का ये वाला पार्ट, मेडुलरी पार्ट में जो कंसंट्रेशन हो जाता है वो 1200 ml तक, इसका मतलब है कि यहाँ पर मिनरल्स का बैलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो निश्चित है कि अंदर का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी बहुत हाई हो जाएगा, और इसी के कारण से यहाँ से होता हुआ ये लिक्विड है वो सारी कलेक्टिंग डक्ट अल्टीमेटली किसमें ओपन होती है, पेलिप्स वाले पार्ट में, और यहाँ से होती हुई यूरेटर्स के थ्रू बाहर आती है। अब यूरेटर्स के थ्रू जो बाहर आ रही है आप देखिए,
ये हमारी दोनों किडनी है। बताइए इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सी है? बस इतना ध्यान रखा करिए कि जो राइट हैंड है वो लेफ्ट। ये यूरेटर है और ये यूरेटर से निकल करके पूरी यूरिन हमारे में कहाँ आ रही है? यूरिनरी ब्लैडर। जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर एक स्टोरेज ऑर्गन है, टेम्पररी स्टोरेज ऑर्गन। इसकी जो मसल्स होती है वो हाईली इलास्टिक होती है, तो जैसे ही जैसे इसमें वॉल्यूम बढ़ता जाता है यूरिन का, तो क्या होती है, स्ट्रेचेबल होती है, बढ़ती जाती है। तो 800 ml से 1 लीटर तक इसमें यूरिन कलेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर किसी कंडीशन में ये वाला जो यूरिनरी ब्लैडर है इसके लास्ट में यहाँ से पार्ट शुरू होता है यूरिनरी पैसेज, तो यहाँ पर दो पोर्स होते हैं, इंटरनल पोर एक एक्सटर्नल पोर। अगर कभी कभी स्टोन यहाँ अगर फंस जाता है, इसके किडनी स्टोन होते हैं, तो ऑटोमेटिक बॉडी में लगातार जो स्टोन होता है वो डिजॉल्व होता रहता है फिल्ट्रेशन के थ्रू। तो अगर डिजॉल्व होकर छोटे छोटे पार्टिकल टूट जाते हैं, तो पेल्विस पार्ट से होते हैं, यूरेटर से होते हैं, कहाँ जाते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में जैसे यूरिन रिलीज होने लगती है तो इस वाले पार्ट में आके फंस जाता है स्टोन। अब जब इस पार्ट में आके फंस जाता है तो आपकी यूरिन बाहर रिलीज नहीं होगी। अब उसमें यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है? स्ट्रेच करता है, फूलता है, आपको तकलीफ होती है। तो अगर 4-6-8 घंटे में अगर इस स्टोन को नहीं निकाला गया तो यूरिनरी ब्लैडर क्या कर जाएगा? ब्लास्ट कर जाएगा और डेथ हो जाएगी। तो अब इस स्टोन को यहाँ से निकालने के लिए कोई ऐसी दवा नहीं है कि आपने एक गोली खाई तो स्टोन निकल गया। अगर स्टोन का साइज बड़ा होगा तो इस पैसेज पर फंस जाएगा। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, इमरजेंसी में ऑपरेशन के लिए अगर नहीं हो पा रहा है तो जो छोटी सी रिफिल होती है, जो एक ये क्या होती है, पतली स्टील की प्लेट होती है सीख की तरह, उसको लेकर के यहाँ से इसको डालते हैं, प्रेशर से उसको अंदर फेंकते हैं। तो जिस समय ये स्टोन अंदर चला जाएगा उस समय थोड़ी देर के लिए पूरी यूरिन कहाँ जाएगी? बाहर आ जाएगी, और प्रेशर से स्टोन भी आएगा। अगर वो छोटा पार्टिकल होगा तो निकल जाएगा और नहीं तो फिर आकर ये फंस जाएगा। तो ये जो इसकी मसल्स है वो स्ट्रेचेबल होती है, और ये जो पोर है एक्सटर्नल और ये इंटरनल, तो इसमें दो तरह के क्या होते हैं, मसल्स होती है। कौन कौन सी? स्ट्राइप्ड और अनस्ट्राइप्ड। जो हमारा एक्शन कंट्रोल है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। तो छोटा बच्चा होता है उसमें इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है मसल्स में, इसलिए उसकी यूरिन कभी ही पास हो जाती है। धीमे धीमे जब व्यक्ति बड़ा होने लगता है तो वॉलेंट्री कंट्रोल बढ़ने लगता है। टोटली स्ट्रेट मसल्स नहीं है कि वॉलेंट्री मसल्स है कि हमारा पूरा कंट्रोल है, धीमे धीमे वॉलेंट्री कंट्रोल बढ़ने लगता है और हम जो है एक निश्चित समय पर अपनी इच्छा से यूरिन को कहाँ निकाल देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अगर कभी चोट लग जाती है, आप कोमा में चले जाएं, आप गिर जाएं, जैसे ना कोई खोपड़ी में डंडा मार दे, किस पार्ट में? सेरिबेलम में। सेरिबेलम जानते हैं ना, ये हाइंड ब्रेन का जो ये पार्ट है इसको कहते हैं, यहाँ पर बॉडी के बैलेंस के लिए काम करता है। तो अगर यहाँ पर कोई स्ट्राइक कर देगा तो आपकी बॉडी डिसबैलेंस हो जाएगी, तो तुरंत यूरिन में जो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं उसके थ्रू यूरिन क्या हो जाएगी? बाहर निकलेगी। तो ये जो वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री कंट्रोल है ये डिपेंड करता है कि धीमे धीमे हम इसको क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो दो तरह की मसल्स होती है, फिर प्रैक्टिस से कुछ समय तक उसमें क्या किया जा सकता है, वॉलेंट्री कंट्रोल किया जा सकता है। तो आपका जो एक्सक्यूटिव सिस्टम था पूरा किडनी से लेकर के, और जो भी आपने लीवर में पढ़ा कि ये धीमे धीमे लीवर के अंदर क्या बन रहा है, यूरिन से यूरिया बन रहा है, अमोनिया से, किस साइकिल के थ्रू बन रहा है? क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम, क्रेब्स साइकिल नहीं, नाम आर्जिनिन साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल या सिक्लिन साइकिल, तीनों अमीनो एसिड साइक्लिक रूप में क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। इसमें कार्बोमाइल फास्फेट के रूप में एक अमोनिया जाता है या अमीनो एसिड प्रवेश करता है, दूसरा एस्पार्टिक एसिड के लिए। और किस एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है? कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेटेज और यूरियेस। यूरियेस एंजाइम, यूरिया से आपको ध्यान रहेगा। और ये पूरी फिजिकल प्रोसेस है, कौन कौन सी थी? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा सिक्रीशन। आप बताओ सेलेक्टिव शब्द क्यों लगाया रीअब्जॉर्प्शन? यूजफुल मटेरियल हमको सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ जब फिल्टर हुआ है बहुत सारे अननेसेसरी मटेरियल अनवांटेड उनको निकालना है, लेकिन हमें जो यूजफुल मटेरियल जो यहाँ से क्या होगा रिलीज हो गए ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, उसको क्या करना है, रीअब्जॉर्ब करना है। तो आप बताओ नेफ्रॉन में कितने पार्ट होते हैं? नेफ्रॉन रक्त नलिका में मेनली कितने पार्ट, कितने पार्ट में डिफरेंशिएट किया है? सिक्स में। बताइए कौन कौन सा? हाँ, प्रॉक्सिमल कंजुगेटेड ट्यूब, हाँ, हेंसले लूप,
इसको अलग अलग नहीं पढ़िए आपने, जब हेनले लूप कह दिया तो डिसेंडिंग और असेंडिंग दोनों उसी में आ गए और लास्ट करेक्टिंग तक तो सारी कई कई हमारी यहाँ पर जो नेफ्रॉन है वो आकर के मिल जाती हैं और सारी करेक्टिंग तक अल्टीमेटली किसमें ओपन होती हैं, यूरेटर में। तो 10 से 12 लाख हमारे नेफ्रॉन हो सकते हैं और सारे नेफ्रॉन में जो एफरेंट आर्टेरियोल इम्प्योर ब्लड लाता है और एफरेंट क्या करता है वापस मिल जाता है। तो प्रेशर डिफरेंस से कहा पूरा फिल्ट्रेशन हो रहा है तो आपके एसिडिटी सिस्टम बंद कर दीजिए।